जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं की नाराजगी इस बार लोकसभा चुनावों में बहुत कुछ कहती दिखाई दे रही है। जिस तरह अभी परिणामों के शुरुआती रुझानों में हमें देखने को मिल रहा है, उससे तो भाई ऐसा भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पूरा पासा ही पलट जाए। देखिए, जिस तरह से बीजेपी और उसका मीडिया एग्जिट पोल और उससे पहले चुनाव प्रचार के समय खूब हल्ला कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो इस बार जनता ने उनका यह वहम पूरी तरह खत्म कर दिया है। और अभी शुरुआती रुझानों को देखते हुए तो हम यह भी कह सकते हैं कि अभी तो भाजपा की हालत पतली हो रखी है। देखिए, वो खुद के दम पर तो बहुमत तक भी नहीं पहुंच पा रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो इससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है, वो लगातार इसका पीछा कर रही है। तो वहीं अब वो न्यूज चैनल्स भी इन चुनावों को कांटे की टक्कर बताने में लगे हुए हैं जो कल तक एक तरफा भाजपा को 400 पार के नारे लगा रहे थे। देखिए, वैसे अभी कुछ भी कह पाना ये तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि किसके खेमे में कितनी सीटें जाती हैं और कौन अपनी सरकार बनाएगा। लेकिन जिस तरह इस बार चुनावों में अभी देखने को मिल रहा है शुरुआती रुझानों में, उससे भाजपा को एक बड़ा सबक जरूर मिलने वाला है। क्योंकि देखिए, भाजपा को यह लगने लग गया था कि वो जो चाहे वैसा करे, चाहे उससे जनता को परेशानी हो, चाहे उससे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो जाए, उसे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस सरकार ने जो एक बार सोच लिया उसे उसको करना ही है, उसके बाद में ना तो उसमें कोई बदलाव करना है ना उसको लेकर जनता की कोई राय लेनी है, बस सरकार ने जो ठान लिया वो उसे करना है, ये सोच अभी भाजपा की बनी हुई है। और यही कारण भी रहा कि इस बार अग्निपथ योजना से नाराज युवाओं ने सरकार की इस हैकड़ी को ढीला जरूर कर दिया है। देखिए, हालांकि यह तो चुनावों के फाइनल परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि सरकार इस बार किसकी बनेगी, लेकिन अगर यह भी मान लिया जाए कि चलो भले ही भाजपा किसी तरह अपनी सरकार बना भी ले जाती है, पर फिर भी भाजपा का घमंड इस बार जनता ने और खासकर देश के उन नौजवानों ने तोड़ दिया है जो सेना भर्ती की तैयारी करते हैं और जिनके सपनों को भाजपा ने अग्निपथ योजना लाकर तोड़ दिया है। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है तब तो उन युवाओं के लिए इससे बड़ी दूसरी कोई खुशखबरी नहीं हो सकती जिनकी भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है, जिनके लिए सरकार ने सेना में 4 साल की भर्ती लागू कर दी है। क्योंकि इंडिया गठबंधन यह पहले ही कह चुका है कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा, फिर से पुरानी भर्ती लागू कर दी जाएगी, सभी अग्निवीरों को परमानेंट कर दिया जाएगा और जिन आर्मी एयरफोर्स वाले युवाओं की भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है उन्हें भी उनका हक दे दिया जाएगा। लेकिन आप यह भी मानकर चलें कि अगर किसी कारणवश इंडिया गठबंधन कुछ सीटों से पीछे रह भी जाता है और भाजपा एनडीए की सरकार बना भी लेती है तो भी युवाओं के लिए इस बार बहुत अच्छी खबर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भाजपा यह बहुत अच्छे से जान चुकी है कि अग्निपथ योजना उसके लिए फायदे का सौदा नहीं है, ये योजना उसके लिए नुकसान वाली साबित हुई है। इसलिए सरकार इस योजना में या तो वो तमाम बदलाव करेगी जिनकी मांग की जा रही है, या तो फिर हो सकता है कि सरकार इस योजना को वापस लेने पर भी विचार करे। क्योंकि देखिए, इस बार भाजपा को ये बहुत उम्मीदें थी कि वो इस बार 400 पार जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों को पूरी तरह धराशायी कर दिया है अग्निपथ से नाराज इन युवाओं ने। हालांकि आज शाम तक कई उतार चढ़ाव भी हमें देखने को मिलेंगे, कईयों की बेचैनी बढ़ेगी तो कईयों की कम होगी, कभी कोई ऊपर होगा कभी कोई नीचे होगा, यानी बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनल तस्वीर शाम तक हम सबके सामने आ ही जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि इस बार के इन शुरुआती रुझानों को देखते हुए भाजपा को जो एक चोट लगी है, इस चोट से भाजपा आगे के लिए कुछ सबक लेगी और इस अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करेगी, या फिर वो अपने अड़ियल रवैये पर अभी भी टिकी रहेगी? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।